हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज बनाने जा रही हूँ एक नया डिज़ाइन का डोरमेट। तो डोरमेट बनाने के लिए मैंने दो कलर का ऊन ले ली है और 9 नंबर की सिलाई ले ली है। और देखिए, मैंने इसमें फंदे डाल रखे हैं, तो मैं 16 फंदे से बना के बताऊँगी। आप चाहें तो साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, उसकी पट्टी बना के, और जितना बड़ा बनाएं उतना फंदा आप डाल सकते हैं। तो चलिए, मैं पहली सिलाई से ही आपको बता रही हूँ, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम बुनते हुए जाएंगे और नीचे के 2 फंदे छोड़ देंगे। देखिए, 2 फंदे छोड़ दी, सिलाई को यहीं से पलट लेना है। हमें ये बुन के छोड़ना है। देखिए, इसे बुन लेंगे। अब देखिए, इस तरह से हम 2 फंदे उतार लेंगे और यहाँ से हम ये कलर लगा लेंगे। अब हम सारे फंदे को इसी कलर से बुन के कंप्लीट करेंगे। ये इसकी उल्टा साइड है और वो सीधे साइड। अब देखिए, फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे, तो ये फंदे को हम सीधे कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम सिलाई पे इस तरह से लपेट लेंगे धागे को और फिर फंदे बढ़ाएंगे। तो 2 फंदे बढ़ गए और ये 2 लाइन हो गई। तो हमें 2 2 सिलाई बुननी है और एक एक लाइन कंप्लीट करनी है, और नीचे से हमें 2 2 फंदे छोड़ने हैं। देखिए, अब फिर से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम 2 फंदे उतार लेंगे। 2 फंदे उतार लिए, अब हम फिर से ये कलर लगा लेंगे। उल्टे साइड से हम सारे फंदे को बुन के कंप्लीट कर लेंगे। फिर से देखिए, ये फंदे हम सीधे कर लेंगे और इस तरह से हम लपेट के और फंदे बढ़ा लेंगे। तो इसी तरह से हमें फंदे बढ़ाने हैं और नीचे से हमें 2 2 फंदे छोड़ने भी हैं। फिर से हम 2 फंदे इसमें से उतार लेंगे इस तरह से और फिर हम ये कलर लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम ये 2 2 फंदे छोड़ लेते हैं ऊपर तक, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और 16 फंदे हैं वो भी हमें छोड़नी है, और जो जितने फंदे बढ़ेंगे वो भी हमें छोड़ना है। जब तक ऊपर की साइड 2 फंदे ना हो जाए तब तक हमें फंदे छोड़ना है, यानी कि हम 16 ही फंदे छोड़ें। फिर से हम फंदे को सीधे कर लेंगे इस तरह से और इसमें डाल के फिर फंदे बढ़ाएंगे इस तरह से। तो मैं बना लेती हूँ ऊपर तक, 2 फंदे रहने तक छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको देखिए। ये बना के मैंने ऊपर तक कंप्लीट कर लिया। 2 2 फंदे हमने दोनों कलर से छोड़ के यहाँ तक आ गई। अब देखिए, यहाँ फंदे हमें कम करने हैं, जिस
दो दो फंदे छोड़े हैं, वापस हमें बुनना है, ये कली को तैयार करनी है। ये आधी बन गई है, तो यहाँ से देखिए ये दो फंदे कम कर ली और इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। अब क्या करना है, ये दो फंदे जो नीचे वाले हैं हम इसमें उतार लेंगे। अब इस कलर से हम बुनेंगे इस तरह से, और ये एक फंदा है इसे भी हम बुन लेंगे। वापस हम फिर एक फंदा फिर से कम करेंगे, इसे बुन लेंगे और धागा को पीछे करके ये दो फंदे हैं इसे हम उतार लेंगे। सिलाई को पलट के हम अब फिर से हम इस कलर से बुनेंगे। देखिए फिर से एक फंदा हम कम करेंगे और ये दो फंदे हैं इसे हम बुन लेंगे। धागा को पीछे करेंगे और ये दो फंदे हैं इसे हम इसमें उतार लेंगे और सिलाई को पलट लेंगे और फिर से हम ये धागा से बुनेंगे। तो इसी तरह से हम सारे फंदे को कम कर लेंगे देखिए ये इस तरह से बन के कम्प्लीट हो गई। तो मैं बना लेती हूँ नीचे तक, फंदे कम कर लेती हूँ जितने फंदे बढ़े हैं, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए ये सारे फंदे कम हो गए हैं, बस एक फंदे रह गए हैं। तो ये 16 फंदे से मैं बना रही थी, तो 16 फंदे इसमें हैं। दो दो चार छः आठ दस बारह चौदह 16, बस एक फंदे रह गए हैं, तो वो देख लीजिए। इसी तरह से हमने कम किए हैं फंदे और ये लास्ट सिलाई है। ये कंप्लीट हो गई। देखिए ये बनके कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से फिर से हम सारे फंदे को बुन लें, बुनने के बाद फिर से हम डिजाइन डालेंगे इसमें। आप चाहें तो दो कलर से बनाएं या और भी कलर इसमें लगा सकते हैं। तो इसी तरह से ये बनके कंप्लीट होगी। देखिए ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गई ये पत्ती। अब क्या करना है, यहाँ से फिर से हम ये दो फंदे उतार लेंगे और यहाँ से ये कलर हम लगा लेंगे। तो
इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ बना के साड़ी कली को, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से हम बुन के कंप्लीट करेंगे। तो मैं बना लेती हूँ फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बना के मैंने कंप्लीट कर लिया, तो ये 5 स्टार वाली डोरमेट बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से ये बनेंगे, आप चाहें तो जितना बड़ा बनाए उतना फंदा आप डाल लें। 2 कलर में भी बन सकती है, मल्टी कलर में भी बन सकती है। तो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में एक नया डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।